रतन टाटा वर्सेस शाहरुख खान। एक तरफ हमारे भारत की शान सर रतन टाटा और वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड की जान किंग खान। तो आज हम इनका कंपैरिजन करने वाले हैं। शाहरुख खान का जन्म एक गरीब घराने में 2 नवंबर 1965 को हुआ था। उनकी मां लतीफा खान और उनके पिता ताज मोहम्मद खान, जो कि पेशे से एक स्वतंत्रता सेनानी और वकील के पद पर कार्यरत थे। और शाहरुख ने अपनी प्राथमिक शिक्षा दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल से ली थी और उन्होंने स्कूल टाइम में कई प्रतियोगिताओं में भाग लिया और उनमें मेडल जीते। और जब शाहरुख की उम्र मात्र 15 वर्ष थी, तब उनके पिता की कैंसर के चलते मृत्यु हो गई और शाहरुख अपने पिता के प्यार से वंचित हो गए। और वहीं बात करें रतन टाटा की, तो उनका जन्म 28 दिसंबर 1937 एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ, जिनके पिता नवल टाटा और मां सोनी टाटा, जिनका किसी कारण के चलते डिवोर्स हो गया और मात्र 10 साल की उम्र में ही रतन टाटा से उनकी मां का प्यार छिन गया और भी अपनी दादी नाभजीबाई टाटा के साथ रहने लगे और उन्हीं के साथ उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। जहां रतन टाटा ने अपनी मां को खोया, वहीं शाहरुख खान ने अपने पिता को खोया। और शाहरुख खान की मां और बहन की जिम्मेदारी अब शाहरुख पर थी और वह स्कूल से आके अपनी मां के साथ एक रेस्टोरेंट चलाते थे, जिससे उनका परिवार चलता था। कई मुसीबतों का सामना करते हुए भी शाहरुख ने पढ़ाई नहीं छोड़ी और उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन हंसराज कॉलेज से की, लेकिन उनका ज्यादातर समय एक्टिंग सीखने में ही चला जाता। शाहरुख खान को अपना अभिनय दिखाने का पहला मौका फौजी सीरियल में मिला, जो कि कर्नल कपूर द्वारा चलाया गया। यह वही सीरियल है जिसने शाहरुख को बॉलीवुड का रास्ता दिखाया। फिर उन्होंने दिलदरिया सर्कस जैसे सीरियल में काम किया, जिससे उनकी फेस वैल्यू बनी। और वहीं उस समय शाहरुख की माँ भी शाहरुख को अलविदा कह गईं। अब शाहरुख के ना तो पिता थे और ना ही माँ। अब शाहरुख बिल्कुल अकेले हो चुके थे और इस गम को भुलाने के लिए शाहरुख दिल्ली से मुंबई चले गए। जब शाहरुख इस नए शहर मुंबई में पहुंचे, तो उन्हें कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। इस शहर में ना कोई उनकी रिश्तेदार और ना कोई जान पहचान वाला, और उन्होंने कई रातें अपने दोस्तों के घर और कभी कभी तो फुटपाथ पे तक रात बिताई। और फिर सर 1991 में उन्हें दिल आसना है मूवी में काम करने का मौका मिला। और सर 1992 में उन्होंने मुख्य हीरो के रूप में दीवाना फिल्म में काम किया, जिसमें उनकी दमदार एक्टिंग के चलते उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड भी मिला और यह फिल्म हिट हो गई, जिससे शाहरुख खान की फैन बेस बना। और इसके बाद शाहरुख खान की कई हिट मूवी आई, जिसमें उनकी दमदार एक्टिंग के चलते उन्हें कई अवार्ड मिले। और आज शाहरुख खान भारत समेत विश्व के कई देशों में राज कर रहे हैं और उनके फैन पूरे वर्ल्ड में। एसआर की आज बॉलीवुड की किंग खान यूं ही नहीं कहे जाते, उन्होंने अपनी मेहनत और हिम्मत की दम से जीरो से हीरो तक का सफर किया है। और स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद रतन टाटा अमेरिका चले गए और वहां से उन्होंने ग्रेजुएशन की और अपनी पढ़ाई खुद करने का ठाना। इसके लिए उन्होंने एक रेस्टोरेंट में वेटर की जॉब की और उन्होंने अपनी शिक्षा खुद के दम पर पूरी की। सन 1961 में रतन टाटा ने टाटा ग्रुप की स्टील कंपनी में काम किया और उन्होंने टाटा ग्रुप की कई कंपनी में कार्य किया। और 1970 में उन्हें मैनेजमेंट में प्रमोट कर दिया गया और रतन टाटा को लॉस में जाती हुई नेल्को कंपनी, जो कि टीवी और रेडियो का निर्माण करती थी, उसकी जिम्मेदारी दी गई, जिसकी मार्केट शेयर 2% थी। लेकिन 30 साल के अंदर अंदर रतन टाटा ने उनकी मार्केट शेयर 20% कर दी। लेकिन इमरजेंसी और उसके चलते हुई आर्थिक मंदी के कारण इस कंपनी को बंद करना पड़ा। यह रतन टाटा का पहला फेलियर था, लेकिन रतन टाटा ने हार नहीं मानी। फिर रतन टाटा को एक और डूबती हुई कंपनी एक्सप्रेस मेल की जिम्मेदारी दी गई, जबकि रतन टाटा ने इसकी ग्रोथ के लिए 50 लाख रुपए मैनेजमेंट से मांग की, तो उन्हें पैसे देने से मना कर दिया गया और यह कंपनी भी बंद हो गई। लेकिन रतन टाटा ने हार मानने की बजाय इससे बहुत कुछ सीखा, फिर उन्हें टाटा ग्रुप का अध्यक्ष बना दिया गया। सन 1991 में रतन टाटा को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बना दिया गया, जिसके बाद टाटा ग्रुप की ग्रोथ 4 गुना बढ़ गई और रतन टाटा ने अपनी ड्रीम का टाटा इंडिका के निर्माण में दिन रात मेहनत की
और 30 दिसंबर 1998 को उन्होंने अपनी ड्रीम कार टाटा इंडिगो को मार्केट में लॉन्च किया, लेकिन यह कार मार्केट में कुछ ज़्यादा नहीं चल पाई और यह कंपनी लॉस में चली गई। और रतन टाटा ने इस कंपनी को बेचना चाहा। जब रतन टाटा फोर्ड कंपनी के पास इस कंपनी को बेचने गए, तब मीटिंग के दौरान फोर्ड कंपनी के मालिक बिल फोर्ड ने उनका अपमान करते हुए कहा कि यह कार कंपनी खरीद कर हम तुम पर एहसान कर रहे हैं। तो रतन टाटा को यह बात दिल पर लग गई और उन्होंने कंपनी बेचने से मना कर दिया। और उसी समय रतन टाटा ने टाटा इंडिगो का नया वर्जन लॉन्च करने की ठानी और उन्होंने दिन रात मेहनत कर मार्केट में टाटा इंडिगो का नया वर्जन लॉन्च किया और यह वर्जन मार्केट में चल पड़ा और रतन टाटा ने अपनी मेहनत के दम पर एक नया इतिहास रच डाला। और टाटा ग्रुप की 100 से भी ज़्यादा कंपनियां हैं और रतन टाटा ही अकेले इतना टैक्स भरते हैं जितना कि भारत के 4 राज्य मिलकर भी नहीं भरते। तो देखा आपने किस प्रकार एक वर्कर से बिलियनियर तक का रतन टाटा का सफ़र। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। यह वीडियो का पार्ट 1 है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट करना, यहाँ पार्ट 2 भी ज़रूर लाएंगे। और इसी प्रकार की वीडियो के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।